हेलो मेरे प्यारे से प्रोटॉन्स आर्मी, अ वेरी वार्म वेलकम टू टुडेज सेशन। दिस इज निकिता मैम, आपकी निकी मैम, केमिस्ट्री मास्टर टीचर हियर एट वेदांतु। आई होप आपका दिन काफ़ी बढ़िया और अच्छा गया होगा और आप सब एकदम मस्त होंगे। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे 5 रीजंस जिस वजह से स्टूडेंट्स केमिकल इक्वेशंस लिखने में गलतियाँ करते हैं। तो अगर आप भी वो स्टूडेंट हो तो ये सेशन को टिल द एंड ज़रूर देखना। अगर न्यू हो चैनल पर डेफिनेटली सब्सक्राइब कर देना। चलो स्टार्ट करते हैं विथ टुडेज amazing session। First of all है आपका lack of understanding of chemical symbols and formula। For example, English में हमें सबसे पहले alphabets आने चाहिए, फिर आप word formation कर पाते हो, फिर आप sentence formation कर पाते हो। तो chemistry में language of chemistry बहुत ही ज़्यादा important है। Language of chemistry में आपका क्या आता है? Symbol आता है element का, valency आती है। तो अगर आपको सिंबल क्रिस्टल क्लियर है, वैलेंसी अच्छे से आती है, तब आप केमिकल फॉर्मूला सही लिखोगे। केमिकल फॉर्मूला सही लिखा आपने तो फिर आप इजीली करेक्ट केमिकल इक्वेशंस लिख पाओगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक सी चीज़ है। हर सेशन में मैं हमेशा ये ज्ञान देती हूँ कि केमिकल सिंबल्स, वैलेंसी, फॉर्मूला सही लिखना, ठीक है। तो ये एक ऐसी सबसे पहली गलती है जिस वजह से स्टूडेंट्स ना केमिकल इक्वेशंस नहीं बना पाते। और ये सिर्फ 9th के लिए या 10th के लिए ही ज़रूरी नहीं है, 11th में 12th में कैसे ही केमिकल फॉर्मूला लिखोगे तभी आप स्टोइकोमेट्री सही तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकोगे, ठीक है। हर चीज़ क्वेश्चन को सही तरीके से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आपको सिंबल या वैलेंसी नहीं पता है उसको अच्छे से रिवाइज करो, थॉरो करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है डिफिकल्टी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। ना कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे सेट ऑफ स्टूडेंट्स हैं ना जिनको वो इक्वेशन तो लिख लेते हैं लेकिन बैलेंसिंग इनकरेक्ट करते हैं। और आई होप ये चीज़ अभी तक आपको पता चल गई होगी कि बैलेंस करना बहुत ज़रूरी होता है केमिकल इक्वेशन को। तो अगर आपको बैलेंसिंग नहीं पता, आप मेरे सेशंस देखो इस पर्टिकुलर चैनल पे जो डले हुए हैं, वन शॉट देखो, ठीक है। मैंने क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हुए हैं ऑन बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस। दो तरीका बताया हुआ है, हिट एंड ट्रायल और आपका क्या है, एलजेब्रिक मेथड। हिट एंड ट्रायल एंड एलजेब्रिक मेथड। तो इस तरीके से आप बैलेंस कर सकते हो केमिकल इक्वेशंस को। इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो ना, उस पर काम करो, ठीक है। नेक्स्ट आपका है मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल इक्वेशंस कभी कभी आप गलत इसलिए भी लिखते हो क्योंकि आप केमिकल रिएक्शन समझ नहीं पाते हो कि भाई एग्जैक्टली हो क्या रहा है यहाँ पे। कि अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, आपने समझ लिया कि डिकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, तो फिर हो जाती है गड़बड़, राइट। सो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग सही रखो, रटो मत चीज़ों को, समझ के रटना इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ रिएक्शन, कि वो कॉम्बिनेशन है, डिकॉम्पोजिशन है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, या जो भी रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन इफ यू हैव अंडरस्टूड तो फिर आप सही केमिकल इक्वेशन, सही प्रोडक्ट फॉर्मेशन लिख सकते हो, ठीक है। इनकरेक्ट यूज ऑफ स्टेट सिंबल्स। तो यहाँ पे बात हो रही है अबाउट द फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब कोई भी आपका एलिमेंट या कंपाउंड सॉलिड स्टेट में है, लिक्विड स्टेट में है, गैशियस में है, या एक्वस फॉर्म में है, डाइल्यूट है, कॉन्सेंट्रेटेड है। तो आपको सही फिजिकल स्टेट लिखना भी ज़रूरी है। सिंबल, वैलेंसी, करेक्ट केमिकल इक्वेशन, सही फिजिकल स्टेट एंड बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। तो ये प्रॉपर फिर अगर आपको ग्रिप आ गई ना, सो आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। Errors in writing ionic formula. तो basically 3 मैंने आपको टिप दिया था, how to write correct chemical formula, symbol, valency, crisscross method. तो students क्या करते हैं, they make mistakes in identify which compounds dissociate into ions, which do not. कभी कभी क्या होता है, जैसे कि acetate और oxalate के केस में ना, आप एनायन पार्ट पहले लिखते हो फिर कैटायन, तो वो चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जनरली यू राइट द कैटायन एंड एनायन पार्ट, उसके नीचे वैलेंसी, देन यू क्रॉस मल्टीप्लाई एंड देन यू गेट द केमिकल फॉर्मूला। लेकिन आपका एनायन, एसिटेट हो गया, ऑक्सलेट हो गया, उसमें एनायन पार्ट पहले लिखते हो। कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि ये कैसे डिसोशिएट करेगा, कैसे टूटेगा, ठीक है। तो वो आयनिक फॉर्मूला भी आपको आना चाहिए। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हो, माई इंस्टाग्राम हैंडल इज nikita_08shu। आई होप आज का सेशन यूजफुल और प्रोडक्टिव लगा होगा आप सबको। न्यू हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना। सी यू वेरी वेरी सून विथ येट अनदर अमेजिंग सेशन। बाय बाय, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर।